फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड आ गए हैं फिर से न्यू स्टेटस वीडियो लेकर। और फ्रेंड इस वीडियो को हम बनाने वाले हैं काइनमेस्टर ऐप से। अगर आपके मोबाइल में काइनमेस्टर ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइनमेस्टर ऐप को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड काइनमेस्टर ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से 9:16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, 15 या 18 सेकंड तक कर देना फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद में लेयर के ऑप्शन में जाना है और मीडिया के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड 3 या 4 फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड ओके कर देना है और फिर से जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में और यहाँ से एक और फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड इसका भी थोड़ा लेयर बढ़ा देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है लास्ट बार लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में और एक और फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड कुछ इस तरह से। तो इस फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से इसका भी लेयर इतना बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से कुछ इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पार्ट कैंची पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको इस पर फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह से जूम करना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से पहले फ्रेंड आपको यहाँ पर चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से इधर बढ़ाना है कुछ इस तरह से बढ़ाना है इसको। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर लास्ट में आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे दूसरे नंबर फ़ोटो पे क्लिक करना है और इसको भी कुछ इस तरह से जूम करना है फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर चाबी के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको भी बीच सेंटर में कर देना है कुछ इस तरह से। और इसको पहले कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आना है फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड इसको लास्ट में कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड इसको इधर बढ़ाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको तीसरे नंबर फ़ोटो पे क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह से जूम करना है पहले फ्रेंड कुछ इस तरह से जूम कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका भी बीच सेंटर कुछ इस तरह से ले आ देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड इसका भी लास्ट वाले पे आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड इसको इधर कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पे लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में और यहाँ से आपको जाना है कुछ इस तरह से, इसको सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड पहले इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद में फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से जूम कर दीजिएगा और इसको नीचा कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड उसके बाद में आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में और इस लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और फ्रेंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले इसको कुछ इस तरह से घुमा देना है कुछ इस तरह से, इसको फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड आपको आ जाना है यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे आ जाना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट कुछ इस तरह से कैंची पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से इसी पे क्लिक करना है और यहाँ साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से नीचे कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे साइलेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है फिर से लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में और इस टेम्पलेट को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और फ्रेंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड पहले इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरह से, इसको फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका साउंड यहाँ से म्यूट करके ओके कर देना है फ्रेंड।
और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है फिर से, और यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डुप्लीकेट कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको कुछ ही इस तरह से इसको यहाँ पे ले आना है, कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे ले आ देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और इस बॉर्डर PNG को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड कुछ इस तरह से यहाँ पे है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड इसको भी फुल स्क्रीन में कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, फुल कर दीजिएगा, और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में आपको लास्ट बार लेयर का ऑप्शन में जाना है और मीडिया का ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको इस लिरिक सॉन्ग वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से फ्रेंड, ग्रीन स्क्रीन है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है फ्रेंड, थोड़ा कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे क्रोमा की के ऑप्शन में आना है और इसको कुछ इस तरह से इनेबल कर देना है, और इसको कुछ इस तरह से बढ़ाकर इसको एडजस्ट कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से कुछ इस तरह से, और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है, और फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को थोड़ा सा हम प्ले करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से एडिट हुआ है फ्रेंड, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड, हाई क्वालिटी में भी कर सकते हैं या लो क्वालिटी में भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो मीडियम क्वालिटी में करते हैं फ्रेंड 720, और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, और फ्रेंड ये वीडियो अब सेव होने लगेगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।